अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के सामने एक सवाल लेकर आई हूँ। ये सवाल काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है, मे बी ये सवाल आपका हो सकता है या आपके सवाल से मिलता जुलता हो सकता है। सवाल ये है कि हम भविष्य उज्जवल चाहते हैं लेकिन वर्तमान में बहुत ही गड़बड़ी है, वर्तमान को कैसे नज़रअंदाज करें। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा कि करंट रियलिटी को कैसे इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। ये तो सही बात है, एकदम स्पष्ट है कि वेयर यू फोकस एनर्जी फ्लोज वेरी फास्ट दैट विल एक्सपेंड। अगर आप वर्तमान में ही फोकस करेंगे, इसी में पूरी ऊर्जा डालते रहेंगे, इसी में भावना डालते रहेंगे, तो भावना जैसी स्थिति, अगर गड़बड़ी वाली स्थिति है, वर्तमान गड़बड़ी है, उसी में फोकस रखेंगे तो ये गड़बड़ी वाला वर्तमान क्या जनरेट करेगा? फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करेगा। और कौन सी फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करेगा? गड़बड़ी वाला ही फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करेगा और गड़बड़ी वाला फ्रीक्वेंसी गड़बड़ी और गड़बड़ी को आकर्षित करेगा। आई होप समझ में आ गया है। अगर वर्तमान में पैसे का अभाव है और आप इसी पर फोकस रहेंगे तो और पैसे का अभाव आएगा, तो कैसे करें नज़रअंदाज? जी हाँ, उन्होंने बोला कि मैं कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऊपर पीछे ना दिमाग में कुछ ना कुछ घूमते रहता है। चलो मैं ग्रेटिट्यूड वॉक तो कर लेता हूँ, लेकिन बाद में गृहस्थ जीवन में जैसे ही कदम रखता हूँ या बाद में रखता हूँ तो ये वर्तमान मुझे डराता है, फिर से वहीं पर चला जाता है। बच्चे जब आकर रोते हैं कि मेरा स्कूल का फीस जमा नहीं हुआ, आज फिर मैडम ने डांटा, मेरे को हॉस्टल में से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने पे नहीं किया, फीस पे नहीं किया, या सिलेंडर आ गया है लेकिन पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है अनाज, या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कैसे? ग्रेटिट्यूड वॉक तो मैंने कर लिया लेकिन फिर बाद में तो मुझे ये वर्तमान तो डरा ही रहा है, कैसे करूं मैं नज़रअंदाज, कैसे करूं? मेरे आप बोल रहे हैं कि विजुलाइजेशन करो, लेकिन जब भविष्य का विजुलाइजेशन करने बैठती हूँ, वो काल्पनिक चित्र बनाती हूँ, तो काल्पनिक चित्र नहीं बन पा रहा है मेरे से। मेडिटेशन करने के लिए बैठती हूँ, 15 मिनट बोला है आपने शांत रहने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, दिमाग में इतना टेंशन है, वो बच्चों की आवाज़, बच्चे जो रो रहे हैं, वो सभी घूमते रहता है, नहीं हो पा रहा है मन शांत, विचार तो आ ही रहे हैं और मिस नहीं हो पा रहा है। तो कैसे करें नज़रअंदाज? क्योंकि वर्तमान को नज़रअंदाज किए बिना आप भविष्य का निर्माण, उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो आज मैं आप सभी को ईजिएस्ट वे जो मैं करती हूँ वही बताने जा रही हूँ और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ वही बताने जा रही हूँ। जब आप ये प्रतिक्रियाएं करते हैं, आप क्या कर सकते हैं? जब भी, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड उन सभी कामों, उन सभी विचारों पर काम करता है जो बहुत प्रबल हो। 1 घंटे के लिए तो आप अच्छा अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन बाकी के 23 घंटे क्या चल रहे हैं? क्योंकि वर्तमान इतना डरावना है तो वही चीज़ें चली जा रही है, वही विचारें चली जा रही है, वो विचार वैसे ही एहसास को ले रहा है और वो एहसास वैसे ही फ्रिक्वेंसीज को जनरेट कर रहा है और वो फ्रिक्वेंसीज वैसे ही चीज़ों को लेकर आ रहा है, तो वो लूप में फंसे जा रहे हैं। तो उसका ईजिएस्ट तरीका क्या है कि विजुलाइजेशन कीजिए, लेकिन आप यहाँ पर विजुलाइजेशन करेंगे अतीत का, और अतीत में आप करेंगे जो भी आपके साथ अच्छा घटित हुआ है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान डरावना है, आप ड्रम बीट किए जा रहे, लोगों को बताए जा रहे, लोगों का हेल्प किए जा रहे, तो वो क्या कर रहा है? वर्तमान में ही आपको रखे रह रहा है, उसी में फंसाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी ड्रम बीट करेंगी आप, ड्रम बीट करिए, लेकिन अतीत में जो अच्छा घटित हुआ है ना उसको लेकर ड्रम बीट, उसकी ड्रम बीट कीजिए। जो आपके साथ वर्तमान में अच्छा नहीं चल रहा है उसके बारे में ड्रम बीट नहीं करना है, बल्कि अतीत में जो अच्छा हुआ है उसको, उसकी ड्रम बीट करना है। क्या कर सकते हैं? अतीत में जाए, अपनी किशोरावस्था या आपका यौवन अवस्था या आपका अभी में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है, एक ही अच्छा हुआ है, क्योंकि हमारे दिमाग, वैसे तो हमारे साथ बुरा ही बुरा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सब कुछ बुरा ही हुआ हो, अच्छा भी हमारे साथ हुआ होगा लेकिन हमको बुरा ही याद रहता है,
बुरा ही याद रहता है। लेकिन हमको क्या करना है, लगाम को खींचना है, लगाम को खींचना है और अतीत में जाना है, अच्छी चीज़ों को, अच्छी यादों को लेकर आना है और उसी को विजुलाइज करना है या उसी के बारे में चर्चा करना है, उसी की ड्रम बीट करना है कि मेरे साथ उस दिन ऐसा हुआ था, मैं उस दिन मुझे अवार्ड मिला था, बहुत अच्छा फील हुआ था, जब मैं माँ बनी थी तो बहुत अच्छा एहसास था, जब मैं अपने बच्चे को देखी थी तो मेरा बच्चा का इतना सुंदर सा चेहरा। तो जो भी आपके साथ अच्छा, जो भी याद आ रहा है, जो भी अच्छे पल हैं, उसी की ड्रम बीट करनी है। जब आप उसकी ड्रम बीट करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं, बार बार चर्चा करते ना, तो आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, आप हंसते हैं, आपके अंदर अच्छी फीलिंग आती है। वो पल भर के लिए जो खुशी आई है ना, तो वो क्या करेगी, अच्छी फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करेंगी और हर एक फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, चुंबकीय होती है, और वो चुंबकीय फ्रीक्वेंसीज अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आएंगी, आपके साथ अच्छी अच्छी थोड़ा थोड़ा घटित होने लगेगा, अच्छे लोग आने लगेंगे, परिस्थितियाँ बदलने लगेंगी। याद रखिए, हमको हर एक पल, हर एक क्षण मौका परमात्मा देता है अपनी वर्तमान को बदलने का। वर्तमान को बदलने के लिए सिर्फ एहसास बदलना है और एहसास को बदलने के लिए सिर्फ आपको खुश रहना है, उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना है जो जिसको सोचकर आपको अच्छा लगता है। अगर आपको भविष्य में, भविष्य के बारे में नहीं सोचा जा रहा, इतना ज़्यादा वर्तमान खराब हो रखा है, तो कोई बात नहीं, पास्ट में जाइए, पास्ट में जाइए और अच्छे अच्छे एल्बम्स को ढूंढ के लेकर आइए। जाइए ना अपनी शादी के एल्बम को फिर से खोलिए ना, जाइए ना फिर से वो डीवीडी को खोलिए ना, वो सीडी को, कैसेट को फिर से अपनी शादी वाला प्ले कीजिए, या बच्चों, जब बच्चा हुआ था तो वो जो सेरेमनी हुई थी, या आपका जो बेबी शावर हुआ था, या गृह प्रवेश हुआ था, जाइए उन सभी एल्बम्स को खोलिए। आपके मोबाइल में कितने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स हैं, कितने अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, क्यों लिए थे उस दिन वीडियोज़ आपने, क्यों लिए थे वो फोटोग्राफ्स, कि उस पल को हम कैद कर ले। अच्छे पल को ही कैद किया जाता है ना मोबाइल में, या अच्छे पल को ही हम वीडियो, अच्छे पल का ही वीडियोस लेते हैं, बुरे पल का तो कोई लेता नहीं है। तो जाइए ना, खोलिए ना, खोलिए उन सारे अच्छे पलों को और देखिए बस अपने आप को कैसा भी अच्छे एहसास में लेकर आइए, और फिर देखिएगा सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और ये बोलना बंद कर दीजिए, बार बार जब आप ये बोलते हैं ना कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, तो ये आप अफर्म कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज डाल रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगर आप विचार चेंज कर लेंगे ना, तो सब कुछ हो सकता है। तो बस करना क्या है, अगर आपको विजुलाइजेशन भविष्य का नहीं हो पा रहा है, मेडिटेशन भी नहीं हो पा रहा है, बार बार मतलब कि गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो वही चीज़ें डराती हैं, तो आपको क्या करना है, जाइए पास्ट में, अच्छी चीज़ें जो भी आपके साथ हुई है उसी के बारे में चर्चा कीजिए, वो एल्बम्स को निकालिए, आपने बॉक्स में पता नहीं कहाँ पर अलमारी में रखे हुए हैं या धूल मिट्टी जम रहे हैं, आज फिर से उसको साफ कीजिए, धूल को हटाइए, उस एल्बम को खोलिए, सीडीज निकालिए। अगर कुछ भी समझ ना आए, तो अगर एक इंसिडेंट भी आपको याद आता है अपना बचपन का, या किशोरावस्था का, या यौवन अवस्था का, तो एक किस्सा भी याद आता है, तो आप अपने घर के बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए, या आजू बाजू के बच्चों को इकट्ठा कर सकते हैं, और उन बच्चों के साथ अपने बचपन की बातें बोल सकते हैं। जब आप अपने बचपन की बातें बताएंगे ना, तो वो बच्चे बड़े खुश होते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं। फिर जब आप अपने बचपन की बातें बताएंगे, तो वो सुनकर बहुत खुश होंगे, उनके चेहरे की मुस्कान को देखकर आपको भी खुशी होगी, फिर वहाँ से कहानियों का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो भी अपने किस्से सुनाएंगे, वो भी किस्से सुनाएंगे, फिर देखिएगा बहुत जल्दी आपका बहुत, मतलब वो जो समय है ना, बहुत अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। और जितने देर आप खुश रहेंगे ना, वही खुशी के पल आपको बहुत सारा आकर्षित कर, अच्छे पल आपके जीवन में लेकर आएगा। तो अपने आप को अच्छा फील करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लगाम को आप ही को अपने हाथ में रखना है, ये मन और दिमाग के हाथ में मत छोड़ दीजिए कि जहाँ पर ये लेके जा रहा है, जिस मोड़ लेके जा रहा है, बस वहीं पर बहे जा रहे हैं। इस तरीके से निकलना है, लगाम को खींचे, चाबुक मारिए और अतीत में जाए। सो कैसा लगा आज का वीडियो, जरूर बताइएगा। अगर आपके भी कोई सवाल ऐसे है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मेडिटेशन रिलेटेड, होपोनोपोनो रिलेटेड, तो बिल्कुल आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने
फिर से आऊँ। और जाते जाते आप लोगों को बता दूँ कि 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मिरेकल मॉर्निंग 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आफ्टरनून में है 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और नाइट सेशन 9 to 10 रहता है। और जिनको भी कॉम्बो पैक लेना है, यानी कि मॉर्निंग एंड नाइट दोनों सेशंस मेरे साथ करना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने आप को अच्छा एहसास में लेकर आएं और अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते रहें और बस खुश रहें। थैंक यू, विश यू वेल्थ।